हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का बच्चों, मैथ्स आज हम करने वाले हैं। चैप्टर हम कर रहे हैं फर्स्ट रियल नंबर्स, तो उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक आपने क्या पढ़ा है बच्चों? अभी तक आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं रियल नंबर्स, इनमें कौन से नंबर्स आते हैं, और क्या देखा है आपने? अभी तक आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और क्या पढ़ा बच्चों? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, एक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने बताया था बच्चों, लेमा क्या होता है? कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पहले ऑलरेडी प्रूवन होती है और उसकी मदद से हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इनको सॉल्व करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया जाता है इसको प्रूव करने के लिए। समझ गए? तो एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? ये एक स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीजें हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं बच्चों। यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए ही बोलूंगा, कोई आपका डाउट है यहां तक आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम अदरवाइज आगे मूव करेंगे और अगले टॉपिक कवर करने वाले हैं। फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, जो आपने किए हैं क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, नंबर्स थोड़े है बड़े आ गए हैं। बाकी क्वेश्चन वैसे ही आपको सॉल्व करना है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसका एचसीएफ क्या होता है, वो भी आपको यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करने हैं, ठीक है। जल्दी से करो।
तो बच्चों यहां पे आपको क्या करना है, देखिए जैसे आप करते आए हैं अभी तक, आप रफ में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे, भाग करके देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने से ये डिवाइड होगा। तो बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, 4830, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, 4830 को 759 से हम डिवाइड कर देंगे, कितने पे जाएगा देखिए चेक करते हैं, 7 6 42, 7 2 7 49 हो जाता है, तो ये तो 48 है, तो हमें 6 से चेक करना चाहिए है ना, क्योंकि 7 पे अगर जाएगा तो 48 से बड़ा हो जाएगा, ये तो बेसिक चीजें हैं बच्चों आपने सीखी होंगी। 759 अगर इसमें भी डिवीजन में भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हैंड रेज करेंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे, अगर ये भाग करने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 759 को 6 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 6 54, 5 हासिल, और 5 6 30 प्लस 5 35, 3 हासिल, 6 7 42 प्लस 3 45, 4 5 4, ये आ गया। यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 6 बज जाएगा, यहाँ 2 बज गया था, तो यहाँ पे 12 - 5 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 - 5 2 हो जाएगा, 276 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? फिर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, 276 और 759 में से कौन सा बड़ा है, 759 बड़ा है, तो 276 से 759 को हम भाग कर देंगे, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हम यहाँ पे लिख के देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई जो संख्या दी गई है ये है बच्चों, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों में से कौन सी बड़ी है, 4830 बड़ी है 759 में से, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन विभाजन प्रमेयिका की मदद लेंगे। ठीक है, तो आप स्टेप वन यहाँ पे कर सकते हैं, चरण एक में क्या लिखेंगे आप, दी गई संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे आपको पता है क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भागफल गुणा भाजक या फिर भाजक गुणा भागफल होता है ना, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पे आपके पास भाज्य क्या है,
4830, 4830, और भाजक क्या है 759। इंटू भागफल कितना आया 6 आया, और शेषफल कितना आया 276। क्लियर है? तो ये चीज है, ये हम देख चुके हैं बच्चों। अब आगे हमें क्या डिवाइड करना था, देखिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि शेषफल कितना आया है, बिकॉज जो शेषफल है वो है 276, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, हमें तो जीरो के बराबर चाहिए शेषफल, इसीलिए अगले चरण में करेंगे इसको हम सॉल्व। ठीक है, एक और चरण हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेप टू आ जाएगा। अब पहले स्टेप में देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, जो शेषफल बचा वो तो यहां आ जाएगा, और जो भाजक है वो यहां आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये कितने पे जाएगा, चेक करते हैं इसको, तो 276 है, 2 3 6 पे जा रहा है, लेकिन हम 276 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 759 से बड़ा आ जाएगा। चेक कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई करके, इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 6 2 12 एक हासिल, 7 2 14 प्लस 1 15 एक हासिल, और 2 2 4 प्लस 1 5 ये कितना आ गया 552। इसमें से माइनस करेंगे ये 7 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 0, और ये 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो 207 आ गया। उसके बाद 276 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को हम भाग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बच्चों, स्टेप टू फिर से वही रिपीट करेंगे। संख्या कौन सी है हमारे पास, इस बारी जो संख्या है वो लिख लेंगे, तो संख्याएं हैं 276 और 759 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या करेंगे, वही तरीका होगा, सबसे पहले भाज्य लिखेंगे, भाज्य कितना है 759, बराबर है भाजक कितना है, यहाँ पे भाजक है 276, और भागफल है 2 प्लस शेष फल है 207। यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं बिकॉज, क्योंकि जो शेष फल है वो कितना है 207 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो हम अगला चरण का यूज करेंगे। इसी तरह करते जाएंगे जब तक शेषफल जीरो नहीं आ जाता, और जब शेषफल जीरो आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई यही एचसीएफ है। तो इसको नोट डाउन करो, यहां तक कोई डाउट है पूछ लीजिए, आगे हम प्रोसीड करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आगे करेंगे इसको, इसीलिए हम यहाँ पे स्टेप थ्री का यूज करेंगे। स्टेप थ्री आ जाएगा चरण 3। तो चरण 3 में हमारे पास क्या क्या है, 276 और 207 है, इनको करके देखेंगे भाग कितना आ जाएगा, भाई 207 एकम 207, 2 पे तो बड़ा हो जाएगा, फिर 76 माइनस 7 69 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया है, देखिए फिर से वही चीज लिखेंगे, कौन सी संख्याएं हैं,
तो हमारे पास 276 है, 207 इंटू 1 प्लस 69। यहां पे आप बोल सकते हैं क्योंकि शेषफल 69 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो स्टेप 4 हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही आप स्टेप्स करते जाएं। फिर हमारे पास कौन सी संख्याएं हैं, अब हमारे पास संख्याएं हैं 69 और 207, 207 और 69 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से यहां पे इसको डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 207 है। कितने पे जा सकता है बच्चों, ये हम इसको 18 है तो 3 से करके देखते हैं, तो 9 3 27, 2 हासिल, 6 3 18 और 2 20, तो देखिए यहाँ पे शेष 0 बच गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 207 जो है बराबर है 69 इंटू 3 प्लस 0, और यहाँ पे क्योंकि शेषफल 0 है, क्योंकि शेषफल 0 है और भाजक कितना है 69 है, भाजक यहाँ पे 69 है, तो आप लिख सकते हैं कि जो HCF है वो कितना होगा, HCF 69 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, कोई डाउट है यहाँ पे पूछ लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं, समझ गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, 56, 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है, और ये काम करेंगे बच्चों आप अपने होमवर्क में, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, अच्छे से समझा है बच्चों। तो अब आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आप किसी भी संख्याओं का, किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आपको होमवर्क दिया गया है, उसको करके लाएं ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है ये मेथड और आप खुद से कर सकते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।